हेलो, आपका स्वागत है बर्मा टेक्निकल में और मेरा नाम निरंजन कुमार वर्मा। तो आज का जो वीडियो है ये एक पीसीबी बोर्ड का है, जहां पर आपको ऑटो सर्किट डायग्राम देखने को मिल जाता है, वहीं पर स्टेबलाइजर कंट्रोल कार्ड भी है। तो इस कार्ड के बारे में जानेंगे और यहां मैं 12 वोल्ट रिले का ऑपरेटिंग करूंगा इस पीसीबी बोर्ड से, वो स्विचिंग का काम करेगा। और यहां एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा, जो 0-12 का ट्रांसफार्मर रहेगा। तो यहाँ जो आप डायग्राम में देखेंगे, क्या इस डायग्राम में आपको देखने को मिल जाता है कि ये जो एक सर्किट का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर है जहाँ पर आप 220 वोल्ट इनपुट देंगे और आपको 12 वोल्ट इनपुट यहाँ से मिलेगा। तो ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक रिले है, यहाँ जो रिले है वो ऑपरेट हो रहा है, उसका मैं यहाँ पर फिगर बनाया हूँ, ये देख सकते हैं, और इसके कुछ डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप देखेंगे क्या, ये जो आप देख रहे हैं कि एक पीसीबी बोर्ड है, तो ये जो पीसीबी बोर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पीसीबी बोर्ड का ही मैं यहाँ पर डायग्राम बना रखा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, इस डायग्राम को जब आप इस तरह से रखेंगे तो सेम टू सेम इसी का सैम्पल आपको यहाँ पर देखेंगे क्या, ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ एक प्रीसेट लगा हुआ है 4K7 का, वो इसका नंबर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्शन जो किया हुआ है वो इस तरह से कनेक्ट किया, ये जो कनेक्शन बना हुआ है यहाँ पर 1.5 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस का यूज किया हुआ है, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि 63 वोल्ट 100 UF का एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो इसका मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये देख सकते हैं 63 वोल्ट 100 UF का कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर यहाँ कनेक्शन किया हुआ है, एक इसका पॉजिटिव है, एक ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रीसेट लगा हुआ है, इसका बीच का कनेक्शन देखें, बीच का कनेक्शन में एक आपको जेनर डायोड मिलेगा, जो 12 वोल्ट का जेनर डायोड का यूज किया हुआ है, और इन दोनों का देखिए कनेक्शन तो शॉर्ट करके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, जो 220 ओम का रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन आप यहां पर देखेंगे, ये जो कनेक्शन है यहां पर एक ट्रांजिस्टर का यूज किया हुआ है, तो इस कनेक्शन से यहां पर के सोल्डिंग किया हुआ और 220 ओम लगा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, CTC313 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका बेस से आपको एक 63 वोल्ट 47 UF का कैपेसिटर कनेक्शन किया गया है, यहीं पर से आपको रिले का ऑपरेटिंग निकलेगा। फिर यहां पर जो आप ये कनेक्शन देख रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन है ये आपका इससे अटैच है, ये देखें तो ये जो है ये इससे अटैच हो जाएगा, जहां पर ये नेगेटिव का काम करेगा। अब यहां पर देख रहे हैं क्या, इस साइड में जब यहां कैपेसिटर से कनेक्शन हो जाने के बाद एक कैपेसिटर यहां भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये फुल डायग्राम में बनाया हूं तो इस पीसीबी बोर्ड से ही। यहां देख सकते हैं कि 63 वोल्ट 100 UF का एक कैपेसिटर यहां पर लगा रखा हूं। उसके बाद यहां जो देख रहे हैं 4007 का डायोड 2 पीस लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं इस साइड में आपको 2 पीस डायोड देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ जेनर डायोड है, और इस तरह से यहाँ पर 3 कैपेसिटर देखने को मिल जाता है। इस साइड में एक प्रीसेट निकले को मिल जाता है, K7 का प्रीसेट है, एक ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ देखें ये डायोड लगा हुआ है जहाँ से आपको कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, एक ट्रांसफार्मर है, तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में आपको प्राइमरी और यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग किया हुआ रहेगा। ये जो ट्रांसफार्मर है 0-12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, जहां प्राइमरी आपको 220 वोल्ट देना है, जहां एक न्यूट्रल कनेक्शन यहां पर कर लेना है, एक लाइन का कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहां से आपको 2 कनेक्शन निकलेगा, जो 0 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कनेक्शन जब हम यहां से करेंगे, तो इस कनेक्शन को यहां कर लेना है, इस पीसीबी बोर्ड का जो यहां पर कनेक्शन आप देख रहे हैं, तो एक कनेक्शन को आप यहां कर लें, एक कनेक्शन को यहां कर लें, तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर इसमें बन जाएगा, जहां से आपको ये जो है वो प्लस कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस साइड में भी प्लस कनेक्शन आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ पर जो आप करेंगे वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इस पीसीबी बोर्ड में ये जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो यहीं से आपको 2 कनेक्शन जो रिले का निकल रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि रिले का जो कनेक्शन निकलेगा, ये बेस से एक कनेक्शन निकल जाएगा जहाँ पर रिले से अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ जो आपका आउटपुट निकलेगा रेड कनेक्शन, वो भी यहाँ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक रिले है, तो इस रिले में आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो रिले है, तो ये रिले जो है वो 5 एम्पियर का एक रिले है। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पर पोल जो है, ये आपका पोल हो गया,
जिसे हम ए मान लिए हैं, और ये नीचे वाला जो पोल है वो हमने यहाँ पर बी मान लिया है जो एन सी है। यहाँ पर ऊपर में जो ये वाला पोल है वो उसे हम एन ओ मान लिए हैं, नॉर्मली ओपन है और यहाँ नॉर्मली क्लोज है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर में अभी टच है, तो ये देखें कि यहाँ पर टच किया हुआ है जो नॉर्मली ओपन हो चुका है, यहाँ नॉर्मली क्लोज का कनेक्शन जो है वो अभी छूटा हुआ है। तो जब हम इसे वर्क में लाएंगे तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये रिले जब हमारा वर्क में आता है, जब हम इसमें इस सर्किट से आउटपुट सॉकेट में देते हैं, इस तरह से रिले में कनेक्शन बाईपास करते हैं, तो ये हमारा रिले वर्क करता है जहां पर इससे कनेक्शन किया हुआ है जो ए है ये और बी है ये और ये सी है। तो इससे कनेक्शन और इससे कनेक्शन किया हुआ रहता है, जब हमारा रिले वर्क करेगा तो ये देख सकते हैं ये जो है वो नीचे की ओर चिपक जाएगा। यहाँ क्या होता है, नीचे की ओर इस तरह से ये चिपक जाता है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये क्या होता है, इसके बीच में ये चिपक जाता है जिससे आपका रिले जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक बैटरी से मैं 12 वोल्ट का कनेक्शन दे रखा हूँ, तो इसमें एक 12 पर एक बल्ब का यूज किया हूँ, ये बल्ब से ये कनेक्शन कर रखा हूँ। जब इसमें लाइन ऑफ करूँगा तो ये हमारा बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा, फिर लाइन जब मैं इसमें दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये स्विचिंग का काम कर देता है। यहाँ देख रहे हैं कि एन आपका न्यूट्रल है, एल लाइन है, ई पोल है, एन सी जो है वो नॉर्मली क्लोज भी बोल सकते हैं या भी नॉर्मली कनेक्शन भी कह सकते हैं, ओ सी यहाँ ओपन ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं या फिर कनेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर बना हुआ है ए बी सी में, ये रिले का फंक्शन है जहाँ पर एक रिले ऑपरेटिंग पीसी भी बोर्ड से कनेक्शन किया हुआ है, तो इससे ये कनेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये जो रिले आपका है, तो ये हैं 12 वोल्ट डीसी और 200 ओम का ये रिले है, ये जो पीसीबी बोर्ड है, तो इससे मैं इसमें कनेक्शन करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा, और ये ट्रांसफार्मर जो है इसका भी कनेक्शन इसमें करूंगा, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि इसमें मैं एसी का भी चेक करेंगे जो स्विचिंग का काम करेगा, और डीसी बल्ब जो बनाऊंगा वो भी स्विचिंग का काम करेगा। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। एक वीडियो मैं और भी बनाया था इस पीसीबी बोर्ड में, उसमें आपको डिटेल बताया था, बट उसमें प्रैक्टिकल रूप से मैं नहीं दिखाया, तो वो कमेंट में किया गया था और मैं इसमें प्रैक्टिकल रूप से इसमें दिखाऊंगा। स्टेपलाइजर में देखते होंगे कि ऑटो मैनुअल फिर ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर जो होता है उसमें रिले से ऑपरेटिंग करने के लिए इस पीसीबी बोर्ड का यूज किया जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जब हम स्विच का यूज करेंगे तो इस पीसीबी बोर्ड का भी अगर हम नहीं यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप एक ब्रिज रेक्टिफायर बना करके भी आप रिले को ऑपरेट कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर लगा करके इस रिले से एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा और उससे आपका ये रिले वर्क करेगा। यहाँ मैं इस पीसीबी बोर्ड का कनेक्शन चेक करके दिखाऊंगा, तो चलिए चेक करते हैं इसे। ये यहाँ देखें कि ये जो ट्रांसफार्मर है और इसमें कनेक्शन कैसे करना है, कि इससे ये पता चले कि कौन आपका जो है वो आउटपुट है, कौन इसमें इनपुट होगा, कौन आपका प्राइमरी है, कौन आपका सेकेंडरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस आपके पास अगर डिजिटल मल्टीमीटर है तो सबसे पहले आप यहाँ से इसके ओम को चेक कर सकते हैं, जिधर भी कंटिन्यूटी ज़्यादा बताए वो आपका प्राइमरी होगा। तो देख सकते हैं इधर आपका कंटिन्यूटी इतना बता रहा है 467, और जिधर कम बताए वो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग किया हुआ रहता है, तो ये देख सकते हैं, और इधर भी आ रहा है, तो ये देख सकते हैं कि ये आपका 20
करता हूँ। ये आपका पॉजिटिव कनेक्शन हो चुका है। इससे में, तो इस प्रीसेट को मिलाना होगा आपको। तो इस प्रीसेट से मैं यहाँ पर मिलाऊंगा और ये देखें कि मिलाने के बाद आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो ये देखें बिल्कुल ही सही, आपका रिले ऑन हो चुका है और ये देखें रिले आपका ऑफ हो चुका है। आपका रिले जो है वो अभी ऑन है। यहाँ पर रिले में भी आप देख सकते हैं, ये देखें ये जो आपका है ये नीचे चिपक चुका है। ये रिले अभी ऑन है जिससे आपका स्विचिंग हो चुका है। ये डीसी करंट बाईपास भी हो रहा है और इस तरह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि जब मैं यहाँ पर कनेक्शन भी निकालूंगा तो ये देखें ऑफ हो जाएगा। ये बल्ब जो है वो आपका जलना ऑफ हो चुका है और यहाँ जब मैं कनेक्शन लगाऊंगा तो इस तरह से ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो ये जो देख रहे हैं कि आपका ये पीसीबी बोर्ड इतना वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, ये आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट कर दिया और इतना वोल्ट पर है। जैसे ही अगर वोल्टेज कम भी होता है तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से ये वर्क कर रहा है। यहाँ मैं कनेक्शन निकाल दूंगा और ये बल्ब डीसी बल्ब को मैं आपको चेक करके दिखाया। अब मैं आपको एसी बल्ब भी चेक करके दिखाता हूँ।
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक प्लग को लगा लिया हूँ, ये इसमें लाइन को इन कराऊंगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिले का जो कनेक्शन किया हुआ है वो मैं यहाँ पर एक एक वायर का कनेक्शन यहाँ कर लिया हूँ, एक वायर का कनेक्शन यहाँ कर लिया हूँ। और ये जो कनेक्शन आप एक देख रहे हैं, एक ये वायर का कनेक्शन और एक ये वायर का, ये कनेक्शन एक होल्डर से सीरीज में कर रखा हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये कनेक्शन तो कम्प्लीट हो चुका है, इस तरह से तीन वायर का कनेक्शन देख रहे हैं आप। यहाँ कनेक्शन करने के बाद भी मैं क्या करूँगा, इसमें एक 100 वाट का बल्ब को भी मैं यहाँ पर लगा लूँगा। ये जो 100 वाट का बल्ब जो है वो लग चुका है, इसे मैं इस तरह से रखूँगा। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा क्या ये जो कनेक्शन हो चुका है, अगर ये ऑपरेटिंग पर रहेगा तो ये देख सकते हैं कि आपका जो ये बल्ब है, मैं यहाँ पर लाइन को इन करा दूंगा। तो ये देखें, इसमें लाइन जो है वो इन हो चुका है, इस तरह से कनेक्शन मैं यहाँ दे दिया हूँ और ये कनेक्ट हो चुका है। अब देखें ये जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है, तो इस वायर को मैं यहाँ पर इन करा लेता हूँ, जिससे आपका रिले जो है वो वर्क करेगा। तो ये देखें, रिले को मैं यहाँ पर लाइन दे दिया हूँ, जब ये स्विचिंग होगा तो ये फिर आपका ऑपरेट होगा। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसे स्विचिंग पर करूँगा। तो जब मैं इसे वर्क कराऊँगा तो ये देखें आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो ये एसी का मैं दिखाया और डीसी का भी दिखाया। तो रिले का यूज मैं क्या किया कि यहाँ पर स्विचिंग के लिए किया हूँ। स्टेबलाइजर में आपका कनेक्शन इससे हमेशा रहेगा, उसमें रहता क्या है कि रिले से बाईपास होता हुआ रहता है। यहाँ मैं नीचे से किया हूँ जहाँ आउटपुट होगा, और ये ऑटो कट हो जाता है। जब ऑटो कट होता है तो रिले आपका जैसे ही वर्क करता है, यहाँ से लाइन जो है वो ये इससे लाइन कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपका एक रेड एलईडी जो है वो ग्लो करता है। ये होता है स्टेबलाइजर में कनेक्शन। और यहाँ मैं कनेक्शन जो ऑटो कट होता है वहीं पर कनेक्शन करके ये स्विचिंग का काम मैं दिखाया कि आप स्विच कैसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जिसमें आपका रिले जो है वो हमेशा ऑन रहेगा। जिसमें अगर आप चाहें तो ये स्विचिंग के लिए यहाँ पर रिले ऑफ भी कर सकते हैं। कि जब ये कनेक्शन को मैं ऊपर कर लेता हूँ तो उसमें क्या होगा कि आपका बल्ब जो है वो जल रहा है, और जैसे ही लाइन इसमें मैं इन कराता हूँ तो ये क्या होगा कि आपका कनेक्शन जो है वो, कि ये जो वायर नीचे था अटैच, उस वायर को मैं ऊपर में कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये देखें इस तरह से ये ज्वाइंट हो चुका है वायर। अब क्या होगा कि बल्ब आपका तो ग्लो करेगा, और जैसे ही मैं सप्लाई इसमें इन कराऊंगा तो ये जो बल्ब है वो आपका ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ देख लेना है, ये कनेक्ट अब नहीं है। और ये देखें इस तरह से कनेक्शन जब कर देता हूँ यहाँ पर, सारा कनेक्शन होने के बाद, तो अब मैं यहाँ पर लाइन को इन करा लेता हूँ, और ये देखें आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। और ये जो जब मैं इसमें लाइन इन करा देता हूँ इस रिले में, और ये देखें अब यहाँ पर रिले को जब मैं यहाँ ऑपरेट करूँगा, जिस तरह से रिले आपका बल्ब को ऑफ कर देगा, तो ये देखें बल्ब आपका ऑफ हो चुका है। यहाँ इस रिले का यूज किसी भी स्विच में कर सकते हैं। डायग्राम के हेल्प से आप भी इस तरह से इस पीसीबी बोर्ड के बारे में जानेंगे। तो मैं इसी तरह का बहुत सारा वीडियो लाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।